कभी जरूर कहते हैं मेरा मन, पर कभी कभी मेरा मन अशांत हो गया, जिस समय मेरा मन अशांत हो गया कहते हैं उस समय तो आप अपने से पृथक करके कहते हैं, उस समय दुख इतने हैं कि जैसे मेरा लड़का बीमार हो गया ऐसे मेरा मन बीमार हो गया, मैं अशांत हो गया। उस समय तो बुद्धि के साथ तादात्म्य करके ही तो कहते हैं, बिना तादात्म्य के कैसे हो, तो तादात्म्य है कि ये दो विभाग तो साफ है, मैं और यह का विभाग। अब दूसरी शंका ये है कि मैं सभी जगह अलग अलग है कि एक है, सभी शरीरों में। अभी मैं को समझिए, देखिए गीता के अनुसार सभी शरीरों में मैं पृथक पृथक है कि एक ही मैं सभी शरीरों में मालूम हो रहा है। जैसे सभी घड़ों में सूर्य अलग अलग है कि एक ही सूर्य सभी घड़ों में, एक शंका ये रह जाती है। दूसरी शंका हो जाती है कि ईश्वर को किधर रखना। अभी जो दो ही कोटि कर दिया हमने, तीसरी कोटि तो हमारे पास है नहीं, एक क्षेत्र कोटि, एक क्षेत्र की कोटि, दो ही कोटि कर दिया। ईश्वर को क्षेत्र में रखना कि क्षेत्र में रखना, ईश्वर जब अपने से भिन्न है तो किस में रखना उसको। तो भगवान ने दोनों का उत्तर एक अर्धाली में दे दिया कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के तो मैं ही हूं। तो देखो इसी ये दोनों शंकाओं का समाधान इतने में कर दिया भगवान ने ना, कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के तो मैं ही हूं, ये बीच में तुम कहां से आ गए, बीच में जीवन कहां से आ गए। अरे झमेला तो है ही नहीं है, पर झमेला स्वप्न में कोई नहीं रहता, पर झमेला की प्रतीति होती तो उसको क्या कर सकता। झमेला न होने पर भी यदि झमेला की प्रतीति हो तो उसको कौन बिगाड़ सकता है, वो तो झमेला यही है। तो अब देखिए मैं तो यहाँ ये खाली का ये बता रहा था कि कैसे भोक्ता भोग्य भाव हुआ। अब देखिए अब ये कहीं हो गया ना भोक्ता, ईश्वर रूप में हो गया है, और जो विषय बन गया है वह यह हो रहा है, ये हुआ ना। अब ये देखिए कि मैं से यह सिद्ध है कि यह से मैं सिद्ध है, माने पहले आप सिद्ध हैं कि पहले जगत सिद्ध है, चेतन पूर्व सिद्ध है, चेतन पूर्व सिद्ध है, तभी जड़ की सिद्धि चेतन से, पर चेतन की सिद्धि जड़ से नहीं। तो इदम की सिद्धि अहम से है, इसलिए इदम अहम में कल्पित है। जब अहम में कल्पित हो गया तब ये देखिए भोक्ता ही भोग्य हो गया है, भोक्ता ही भोग्य हो गया, और अहम में जो इदम का प्रतिरोधीपना मालूम हो रहा था अभी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब इदम अलग रहा ही नहीं तो इदम का विरोधी अब तक जो मैं था, यह का विरोधी मैं था, वो तो मैं रहेगा नहीं, मैं अपने सामान्य स्वरूप में आ जाएगा। इसी को कहा क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम ज्ञानम मतम, क्षेत्र क्षेत्र के भाव देखो दोनों जिस ज्ञान में दिखाई दे। तो यहाँ भोक्ता जो है, अब भोक्ते तो भोग्य हो गया, इसी को कह रहे हैं भोक्तैव भोग्य भावे न सदा सर्वत्र संस्थित। तो एक भोक्ता ही रहा और तो कुछ नहीं रहा, इसलिए शिवावस्था छोड़ करके कोई दूसरी अवस्था सिद्ध नहीं। थोड़ी ठीक है देखिए, तेना तथा विधेन सर्वात्मकेन स्वभावेन, जो इस प्रकार का सर्वात्मक स्वभाव है तो उससे शब्दार्थयोः चिंतासु, शब्द विषयक चिंता या अर्थ विषयक चिंता, न सावस्था, ऐसे चिंता में ऐसी कोई अवस्था नहीं है, या शिव स्वभावम न व्यंजयति, सभी जो है अपने शिव स्वभाव को ही प्रकट कर रहा है, उसी का ऐश्वर्य
स्वप्न में जितना आप देख रहे हैं आपकी ज्ञान शक्ति प्रकट हो रही है, और तो कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ हो ही नहीं रहा। तो न स अवस्था या शिव स्वभाव न व्यंजय, अतो भोक्तैव ही भोग्य भावे न सर्वत्र अवस्थित। इसलिए भोक्ता जो शिव है वही भोग्य भाव में सर्वत्र स्थित है, न तो अन्यत भोग्यम अस्ति, उससे भिन्न कोई भोग्य है ही नहीं। यहां ले जाके पहुंचा दिया। अब ऐसी स्थिति में कोई जो है पहुंच गया तो उसकी जीवन मुक्तता कहते हैं। देखिए कि इतिवायस्य संवित्ति ही क्रीडा त्विनाखिलं जगत सपश्यन् सततम् युक्तो जीवन मुक्तो न संशयः। जिसका चित्त जो है इस भाव में चला गया, जिसकी बुद्धि तदाकारता को प्राप्त हो गई, जिसको जो है इस अपने शिव स्वरूप की अनुभूति अपरोक्षानुभूति उत्पन्न हो गई, उसको सारा जगत खेल है, खेल उसको और कुछ नहीं, सारा जगत उसको खेल है, बंधन नहीं। उसको बंधन कहाँ से होगा? बंधन तो तब होगा कि जब स्व से अतिरिक्त जो है वह जानता होगा। देखिए नाटककार को कभी भी किसी पार्ट का बंधन होता नहीं उसका, चाहे वो चोरी करे, उसको चोरी का पार्ट करता तो भी बंधन नहीं होता है। क्यों बंधन नहीं? उसके साथ वो उसके साथ तो उसका संबंध नहीं बनता ना, उसका स्वरूप पृथक है। अब पृथक स्वरूप है तो उसके साथ संबंध ही नहीं बनता। और जो है वह यदि जो है उसको दिखता है कि इतना इतने स्वरूप इतना इतना शरीर बना करके इतने भी मैं ही खेल रहा हूँ सर्वत्र, मुझसे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तब तो उसका बड़ा भारी एक वैभव मालूम होगा। भाई ऐसी भाव में आपकी बुद्धि प्रविष्ट हो जाए तो कितना वैभव मालूम होगा। जैसे उपनिषद में क्या कहा उन्होंने वामदेव ने, अरे सूर्य होकर के तो मैं ही कपड़ा, वायु होकर के तो मैं ही बाहर, चंद्र होकर के मैं ही औषधि होकर। जैसे भगवान अपनी विभूति का वर्णन करते हैं, जैसे अपनी विभूति का वर्णन करते हैं ऐसे विश्व उसकी विभूति हो जाएगी कि नहीं? सारा विश्व तो उसकी विभूति बन जाएगा, पर कब विभूति बनेगा? ऐसे विभूति नहीं बनेगा ऐसे जब जो है बुद्धि शिव स्वरूप को स्वरूपकार है तभी बनेगा। और सीमित अहंता को बुद्धि पकड़े रहेगी तो कैसे बनेगा? सीमित अहंता को बुद्धि पकड़े रहे तो नहीं कर सकते, ऐसा अनुभव नहीं होगा। ऐसा अनुभव तो तभी होगा कि जब ये सीमित अहंता को छोड़ करके बुद्धि कैसी हो जाए कि एवं से भाव हो जाए, उसी को कहते इति वा यस्य संबत्ति, जिसका जो है इस प्रकार का ज्ञान हो गया, इस प्रकार का जो है अनुभव हो गया। तो क्रीडात्वेन अखिलं जगत पश्यन्, वो तो जो है वह क्रीड़ा रूप से जो है अखिल जगत को देखता है। क्रीड़ात्वेन पश्यन् जीवन मुक्तः न संशय, वह शरीर उसका भले ही दिखाई दे रहा हो पर वह जीवन मुक्त है, वह अपने शिव स्वरूप में ही है, शरीर में नहीं। शरीर दिखाई देने मात्र से वह शरीर वाला नहीं हो जाएगा, वो तो अपने शिव स्वरूप में स्थित है। इसी बात को कहते हैं एवं स्वभावम यस्य चित्तम, इस स्वभाव वाला जिसका चित्त है, यथा मनमय में जगत सर्वमिति, कैसा चित्त है? ये सारा जगत मनमय है, मनमय है, भगवान में है, माने मनमय, मेरे रूप सर्व,
सर्वम क्रीडात्वेन पश्यन्, वह सभी कुछ क्रीडा के क्रीडा रूप से देखता हुआ नित्युक्तत्वात् जीवन ने वह ईश्वरवत मुक्त, जैसे ईश्वर मुक्त है इसी प्रकार जो है शरीर रहती है वो मुक्त है। न तो अस्य शरीरादि बंधकत्वेन वर्तते, उसका जो ये दिखने वाला शरीर है, ये शरीर रूपी पार्ट जो दिख रहा है वह उसके किसी बंधन का हेतु होता है, क्योंकि उसकी समझ ही दूसरी है, तो उसको बंधन का हेतु उसकी समझ जो है दूसरी है तो उसको बंधन का कोई हेतु नहीं। बंधन का हेतु तो अहंता ममता के संयोग से बंधन होगा ना, जब उपाधि के साथ आपके अहंता का संयोग हो जाएगा तो एक जगह ममत्व तो बन जाए, एक जगह राग बनेगा, एक जगह द्वेष बनेगा, बंधन हो गया। पर आपकी समझ ही गलत नहीं हुई तो बंधन कहाँ से आए? आपकी समझ ही जब गलत नहीं हुई, किसी उपाधि के साथ आपकी अहंता संयुक्त नहीं हो रही है तो बंधन कहाँ से होगा? फिर असंग है तो किसी प्रकार का बंधन नहीं है, तो उसका सारा व्यवहार जो है वह क्रीडा रूप है। तो ऐसा जो योगी है वह पूर्णाहंता है, यही क्या है? पूर्णाहंता है। तो पूर्णाहम भाव जो है ना, इसी की प्रतिपत्ति है। तो अशेष विदम विश्वम स्वरचित क्रीडन, जैसे आपने मन से संकल्प से जो है वह क्रीडा रचे और उसी के साथ खेले, तो इसी प्रकार जो है उसका खेल जो है वह सर्वत्र हो रहा है, ऐसा अनुभव करता है। तो ये शिव स्वरूप योगी को किसी प्रकार का संशय जो है, कहते शंका तंक कलंक यंत्र नियंत्रण से रहित है, वह उसके अंदर किसी प्रकार की शंका, शंका तो वहां उत्पन्न होगी ना कि जहां पर भेद होगा वहां पर शंका, और उसके अंदर कैसे शंका होगी? निशंक उसका अशिकार भगवान कहते हैं एक जगह कि जो तत्व को जिसको दिख रहा है वो शास्त्र का अर्थ निशंक भाव में करता है, उसको इसका अर्थ यही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता, दूसरा कैसे होगा? अरे भाई जब आप चीज जिसको देख लिए हैं, गंगोत्री आप देख लिए, अब वहाँ कोई वर्णन करने लगे कि आम का बगीचा का और इसका उसका वर्णन करने लगे, गोमुख आप देख आए हैं, अब वहाँ गोमुख में ऐसे बगीचे का वर्णन करने लगे, तो ऐसा वर्णन करने लगे तो आपको स्पर्श करेगा वो? आपकी अनुभूति को नहीं काट सकता है, वो आपकी अनुभूति को नहीं काट सकता। ऐसे ये सारा का सारा विश्व जो है चाहे जैसा व्यवहार कर रहा है, पर आपकी अनुभूति जो है उस अनुभूति को कैसे काटे? आपकी अनुभूति को नहीं काटे। आगे एक श्लोक और कर ले, ये कारिका, ये बहुत ध्यान देने की कारिका है। अयमेवोदयस्तस्य धीयस्य ध्याय चेतसी तदात्मता समापत्ति इच्छतः साधकस्य या। कहते हैं कि देखिए साधक है, साधक मंत्र ग्रहण किया गुरु से, ये शाक्तोपाय चल रहा है ना, अब यहां देखिए शाक्तोपाय में ही कि उसने जो है वह जो परंपरा है वो क्या है, साधक गुरु से मंत्र ग्रहण करता है। और मंत्र का अर्थ क्या होता है? देवता। जो इष्ट है वही तो मंत्र का अर्थ है, जो इष्ट है वही मंत्र का अर्थ है। तो यहां पर क्या है कि आपका इष्ट कौन है? शिव है। शिव जो है जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, सभी कण कण में अनुस्यूत जो शिव है,
वो शिव हो गया आपका इष्ट। अब वो इष्ट अभी आपको समझ में नहीं आया संभव पाए से, उस इष्ट जो है इष्ट को आत्मज्ञान आप नहीं कही, तो आपने जो है वह मंत्र ग्रहित किया। अब मंत्र से तो मंत्र का अर्थ तो वही हुआ देवता, मंत्र का अर्थ हो गया देवता। अब जब मंत्र आपको मंत्र का आप अनुसंधान कर रहे हैं, तो मन और मंत्र, जब मन को मंत्र के साथ आप जोड़ेंगे और मंत्र देवता के साथ जुटा है, तो मन आपका किस रूप में होगा? मन देवता रूप। और ये मन जो परिच्छिन्न था शरीर आदि को पकड़े था, इसीलिए आपकी जीव संज्ञा थी। इसको ध्यान दीजिएगा, ये आदब की बड़ी विशेष बात है कि आपकी जीव संज्ञा क्यों है, क्योंकि मन के साथ अहंता जुटी है, इसी ही सूक्ष्म के साथ अहंता जुटी, इसलिए तो आपकी आपकी जीव संज्ञा है। और उससे मंत्र के आधार पर क्या हुआ कि आपका मन अमंत्र, अमंत्र में रहेगा कौन सा? देवता रूप अर्थ। देवता रूप अर्थ ये वही हो गया तत्पदार्थ, वो तत्पदार्थ हुआ ना, शिव हुआ। तो अब क्या होगा कि मन शिवाकार हो गया। जब आप मंत्र अनुसंधान करते 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 मन हो गया शिवाकार। अब जब मन शिवाकार हो गया तो आप शिवाकार हो गए। ये ध्यान क्या करना है कि इसी को आप वेदांत में क्या कहेंगे, अरे बुद्धि चरम वृत्ति में पहुंच गई, चरम वृत्ति हुई ना, शिवाकारता क्या हो गई? चरम वृत्ति हो गई। जब चरम वृत्ति हो गई तो स्वरूप अनुभूति हो गई। ये कहते हैं कि वो मंत्र के साथ जब जो है आपका मन देवता के आकार का हो गया, शिवाकार में हो गया, तो जब शिवाकार में हो गया तो आपका स्वरूप शिवाकार। यही कहते हैं, बस यही क्या है कि यही उदय है, बस यही जो है इसी का नाम क्या है कि मंत्र मंत्र न्यासात्मक भैरव भावोदय है। मंत्र जिसलिए आप लिए थे, न्यास जो है वह देवता का शरीर में किए थे, मंत्र और न्यास न्यासात्मक जो है ये भैरव भावोदय हो गया। अब वो भैरव भाव प्रकट हो गया, तो जब सब भैरव भाव प्रकट हो गया तो सारे विश्व को जो है अब घेर लिया उसने। जब तक आपका मन संकुचित था तब तक तो आप विश्व को घेर नहीं सकते थे। अब वो मन हो गया देवता का, यही हो गई चरम वृत्ति। अब जहां चरम वृत्ति हो गई तहां आप देवता का, देवता का तो आप है ही है, पर ये मन के कारण जो है संकोच के कारण आप जीवाकार हुए थे, मनुष्यकार हुए थे, आप फिर देवताकार हो गए। और यही आपका जो है जब मंत्र सफल हो गया, अब आपका मंत्र बस अब भैरव हो गया, यही मंत्रोदय हो गया आपके जीवन में। मंत्र से मंत्र न्यास के द्वारा भैरव भाव हो गया, तब भैरव भाव हो गया तो आपकी वो स्थिति हो गई, सारे विश्व में आप भर रहे हैं। अरे आप कोई भी जगह नहीं है जहां आप नहीं भरे हैं, आप ही हैं, ये भैरव भाव हो गया। तो जब भैरव भाव हो गया तो यही काम आपका पूरा हो गया, सब तो पाव का पाय का काम पूरा। तो जो खाली उपदेश के कारण आप गृहित नहीं कर पा रहे थे सामो उपाय में, वो मंत्र के द्वारा जो है और देवता ज्ञान के द्वारा मंत्र को, मंत्र मन और देवता, इसको जहां आप एकीभूत की,
स्वतः आपकी परिच्छिन्नता समाप्त हो जाएगी और आप अपने शिव भाव में चले जाएंगे। और यही आपके जो है मंत्र का साफल्य है, यही जो है मंत्रोदय है, यही मंत्र का भैरव भावोदय है। इसी बात को कहते हैं अयमेवोदयस्तस्य ध्येयस्य ध्यायी चेतसी तदात्मता समापत्ति इच्छतः साधकस्य या। कहते इच्छतः साधकस्य वह जो है साधक इच्छा कर रहा है। साधक क्या इच्छा करता है? देवता समापत्ति की इच्छा, देवता भाव प्राप्ति की इच्छा करता है, देव दर्शन चाहता है, तो देवता भाव प्राप्ति की इच्छा करता है साधक। और उसी देवता के लिए उसने मंत्र गृहित किया, उसी देवता का के जो है स्वरूप को जो है प्रतिष्ठित करने के लिए न्यास आदि सारा किया उसने। न्यास माने सीमित अहंता ममता को उसने जो है हटा करके देवता का स्थापित किया। इसको न्यास में दो शब्द दो है, आस उपवेशने धातु से भी न्यास बनता है और असुक्षेपणे धातु से। तो जब ये मंत्र साधना होती है तो असुक्षेपणे धातु का न्यास का है क्षेपण है, जो इसमें ये था कि जो है यह मैं हूं, ये मेरा है, इसका क्षेपण है, इसको हटाना है। और ये देवता का है, इसको बैठाना है, इसको बैठाना है। इसी को जिसका संकेत किया गीता में ईश्वर सर्वभूत भूतानां हृदयेर्जन तिष्ठति ग्रामीण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ। यही शरणागति है, ये न्यास में शरणागति, शरणागति यही है कि इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना और सीमित अहंता को फेंक देना। अब उधर से हो रहा है तो आप देवता के हो गए, सब चीज देवता की है, देवता जैसा प्रेरणा दे रहा है वैसा आप कर रहे हैं, देवता को मालिक बना लिया। करण न्यास में क्या है, जो कर्तृत्व आपके साथ संबंधित था वो देवता से, अब देवता जैसा करा रहा है। अंगन न्यास में क्या है कि जो अंग जो है आपसे संबंधित था वो देवता का, इधर क्षेपण है और उधर उपवेशन है, देवता भाव का उपवेशन और सीमित भाव का क्षेपण, ये न्यास। न्यास में भावना यही, तो ये जो न्यास में भावना है और मंत्र, और मंत्र का अर्थ क्या है, देवता, मंत्र का अर्थ है देवता, और उसी देवता का आप दर्शन करना चाहते हैं, तो उसी देवता का जब दर्शन करना चाहते हैं तो इच्छता साधकस्य है या तदात्मता समापत्ति, कैसे ध्यायी चेतसी तस्य धीयस्य है तदात्मता समापत्ति ही। ये जो समापत्ति है, ये समापत्ति ही अयमेव उदय, ये जो इच्छा रखने वाला देवता भाव को प्राप्त करने वाला जो साधक है, तो वो ध्याता बना, चित्त से ध्यान करेगा, उस चित्त में जो ध्येय का उदय क्या है, यानी देवता दर्शन क्या है। देखिए देवता दर्शन क्या है, देवता दर्शन यही है कि चित्त का देवता रूप हो जाए। देवता दर्शन क्या है, देवता दर्शन है क्योंकि अयमेव उदय तस्य
तस्य देवस्य अयमे उदय, तस्य धेयस्य अयमे उदय। कहाँ उदय होगा? वह ध्याय चेतसी, जो ध्यान करने वाला है उसके चित्त में उदय होगा। तो उसका स्वरूप क्या होगा? तदात्मता समापत्ति या तदात्मता समापत्ति, चित्त का जो देवता रूप हो जाना, यही देवता का उदय है, देवता का प्राकट्य। चित्त का देवता रूप हो जाना, यही जो है वह क्या है? देवता का प्राकट्य, यही देवता का प्राकट्य, ये हो गया देवता का प्राकट्य। और यही जो है देवता का जो प्राकट्य हो गया, तो फिर जो है वह साधक का काम हो गया, देव दर्शन हो गया। और जहां चित्त जो है देवता के आकार में फटा, बूढ़ा हंता आगे शिव स्वरूप तक हो गई। देवता तो सर्व रूप है ना, देवता तो व्यापक है, पर चित्त देवता के आकार में फटना चाहिए ना। अरे ध्यान किस लिए किया जाता है? भी साकार का ध्यान कोई साकार के लिए नहीं है, साकार का ध्यान निराकार में प्रतिष्ठा के लिए। साकार का ध्यान सहज होता है, इसलिए साकार का ध्यान करने में सुविधा होती है, है? पर सविकल्प समाधि है किसके लिए? निर्विकल्प, क्योंकि देवता का स्वरूप वही है, देवता का स्वरूप वही है, सविशेष का स्वरूप हमेशा निर्विशेष ही रहता है। इसलिए सविशेष जो है वह भी निर्विशेष रूप होता है। देवता का स्वरूप क्या है? देवता का स्वरूप वही स्वरूप नहीं होगा तो व्यापक कैसे होगा? जब हम देवता को व्यापक तो मानते हैं कि नहीं, तो अब देवता व्यापक होगा यदि हम किसी शरीर में बांध देंगे देवता को, तो व्यापक कैसे होगा? तो उस शरीर के द्वारा लक्षित जो उसका व्यापक स्वरूप है, तो तदाकारता में जो चित्त का की समापत्ति, यही देखिए जो आपकी चरम वृत्ति है वेदांत की, यही है। ध्यान करते करते और सहज भाव में इसको लीजिए, तो आखिर क्या करेगा साधक? ध्यान करता है, किसका ध्यान करता है? देवता का ध्यान। देवता का ध्यान करेगा तो जो जिस देवता को प्राप्त करना चाहता है उसी देवता का ध्यान करेगा कि नहीं? तो उस देवता का स्वरूप जाने का तब तो ध्यान करेगा, देवता का ज्ञान होगा तब ध्यान होगा, देवता का ज्ञान प्राप्त करेगा तो ध्यान करेगा। तो उसी के आकार में चित्त ले जाना, यही तो ध्यान है। तो शिवाकार हो गया चित्त। अब जो शिवाकार चित्त हो गया तो फिर देवदर्शन, अब देवदर्शन बाकी रहा क्या? यही देवता का प्राकट्य हो गया। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो गई कि जब चित्त तदाकार को हो गया तो आप की सीमित अहंता गल गई, पूर्ण अहंता का उदय हो गया। इसी बात को लेकर के कहते हैं, तत्संवेदन द्वारेण यह तदात्म ग्रहो, तत्संवेदन द्वारेण देवता के ज्ञान के द्वारा जो तत्त्म ग्रह देवता को, अब देवता को जो है आत्मरूप से ग्रह, वो कैसा होता है? मंत्र न्यासात्मक, यही ग्रहण है। वो देवता को ही जो है वह गुरु प्रविष्ट करता है शिष्य के हृदय में, देवता को ही प्रविष्ट करता है। कैसे प्रविष्ट करता है? वह मंत्र, वह मंत्र देवता है। जो देवता गुरु के हृदय में है, मंत्र में उस देवता को बैठा करके और जो है आपके अंदर प्रति प्रवेश करता है। अब वो मंत्र आपको देवता तक ले जाएगा।
ये प्रक्रिया है। तो इसको कहते हैं मंत्र न्यासात्मक सैव उदय, कहा तस्य धेयस्य तस्य देयस्य सैव उदय मंत्रात्मन साधक चेतस्य। क्या उदय है? तादात्म्यम तत्स्वभाव प्राप्ति ही मंत्र देवतया सह साधकस्य मंत्रोच्चारणेच्छया संपादिता। अब वो जो है तत्स्वभाव प्राप्ति यही है साधक के चित्त में उदय, यानी मंत्र देवता के द्वारा के साथ साधक ने जो मंत्र का उच्चारण जो है किया था ना, उस उच्चारण के द्वारा जो है देवता को प्राप्त करना चाहता था और देवता की प्राप्ति हो गई उसकी। तो ही कि मंत्र देवतया देव, यहाँ देवतया मने जो है वह तृतीय है किसमें, साथ में मंत्र देवता के साथ साधकस्य मंत्रोच्चारण इच्छया संपादिता। क्या संपादिता? कि वही संपादिता कौन? हाँ तदात्मा समापत्ति, ये जो है संपादित हो गई। तो ये श्लोक तो टेढ़ा है, टीका भी टेढ़ी है, पर उसका भाव हमने इसीलिए जो बताया कि देखिए कि साधक है तो साधक जो है मंत्र का उच्चारण कर रहा है, तो मंत्र का उच्चारण कर रहा है मंत्र का जप कर रहा है, ये उच्चारण है मंत्र का जप कर रहा है। तो मंत्र का जप जो है जप कर रहा है तो जप करेगा तो वो जप के साथ जो है मंत्र का संबंध किसका है? देवता का, देवता देवता का ध्यान होगा, चित्त से देवता का ध्यान होगा। तो ध्येय वस्तु के साथ जो एकात्म है, ध्येय वस्तु के साथ जो एकात्म है, तो अब एकात्म जब हुआ तो मंत्र और देवता और जो है वह चित्त एक भूमिका में आ गए, मंत्र देवता चित्त आ गए एक भूमिका में, तो साधक भी उसी भूमिका में हो गया, प्राण माने मन और प्राण भी उसी भूमिका में हो गए, चित्त जिस भूमिका में होगा उसी भूमिका में जाएगा ना। इसी को समझना चाहिए कि यही जो है मंत्राभिधि, ये जो मंत्र के द्वारा अभिधि, ये जो जो देवता है समर्तव्य जो देव है, तो वो देव जो है जो अमोघ शक्ति वाला जिसको हम मान रहे हैं, तो उपास्य उपास्य का चित्त तदाकारक हो गया है? तो ये प्रत्यक्ष उसका दर्शन, तो प्रत्यक्ष दर्शन क्या हो गया? प्रत्यक्ष दर्शन क्या होगा? तदारूपता। आप विचार करके जब देखेंगे तो दर्शन और कुछ नहीं है, दर्शन आप क्या है करके चित्त तदाकारता को प्राप्त होती, यही तो दर्शन होता ना, ये और कुछ दर्शन है बस भाई। चाक्षुष प्रत्यक्ष का मतलब भी जो है मन प्रत्यक्ष, क्यों आप विचार करके देखिए, चक्षु से आप कोई प्रत्यक्ष करते हैं तो कैसा क्या प्रत्यक्ष होता है? चक्षु के आधार से मन जो है जाएगा और तदाकारता को प्राप्त होगा। भाई देवता से बातचीत आदि सब कुछ संभव हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर वह जो है वह वो देवता से जितनी बातचीत है सारी चीजें हैं, यह आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, ये केवल भाव में है। चैतन्य में जैसे भाव से आप संकल्प का उदय होगा वही सिद्ध होगा। और महाराष्ट्र में तो प्रत्यक्ष है, नामदेव जी बातचीत करते थे, खेलते थे, सब कुछ करते, भगवान को छोड़ करके दूसरे किसी के साथ उनकी मित्रते नहीं, परंतु संतों की सभा में कच्चे हो गए कि नहीं, फेल हो गए कि नहीं? अब फेल हो गए तो रोते हुए भगवान के पास गए, तो भगवान ने कहा तू क्यों रोता है? कहा हमको वहां कच्चा कर दिया उसने,
अरे निगुरा है तो कहा ठीक है, कहा गलत तो नहीं कहा, तुमने तो गुरु नहीं किया कोई। कहा जब हम आपके साथ में खेलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, तो फिर जो है फिर भी हमको गुरु करने की जरूरत है। हाँ अभी गुरु करने, मैं तो वहां भी था जहाँ तुम बैठे थे, उस थापी में भी था जो तुम्हारे सिर पर बारा था, उसमें भी मैं, और तुम मुझे कहाँ पहचान। तुम तो ये मंदिर में आए तब मैं मिला या ना, अब मैं वहां नहीं था क्या? तो मेरा जो वास्तविक स्वरूप है तो उसको पहचानने के लिए तो गुरु की जरूरत है तुमको। को पहचानने के लिए बिना गुरु को कैसे पहचान, इसीलिए शक्तिपात ही है। शक्तिपात ही है ना, मन जो है जो ये जो जो है सातोपाय है, ये शक्तिपात है, गुरु मंत्र रूप में शक्तिपात है। तो जो गुरु के अंदर जो है तत्व विषयक जो ज्ञान है, वही ज्ञान उसके अंदर मंत्र के अंदर रखा है, इसीलिए गुरु की महिमा क्यों है। और इसीलिए जो है वह सिद्ध गुरु की जरूरत क्यों होती है, जिसने अनुभव नहीं किया है, देवता दर्शन नहीं किया है, वो शब्द में वो लक्ष्य नहीं निर्धारित कर सकता, कैसे करेगा। जैसे कोई चीज हमको जो है अंदर दिख रही है, तब मैं शब्द के द्वारा जो है उसको लक्षित करके शब्द का प्रयोग करूंगा, और हमको ही नहीं दिख रही है तो मैं लक्षित कैसे करूंगा। मैं तो आकाश में उड़ूंगा शब्द को लेकर के, अब कुछ आपके अंदर आ जाए पर आकाश में तो उड़ना है ना। जैसा शब्द हमने याद किया है गंगोत्री के विषय में, वैसा उड़ूंगा, देखा तो है ही नहीं, मंदिर गंगा जी से किधर है देखा तो है ही नहीं है, वहां का पहाड़ कैसा इसको तो देखा तो है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु उस मंत्र को उसी लक्ष्य से शिष्य करते, इसलिए सच्चाई से उस मंत्र का आश्रय यदि शिष्य लेता है तो शनि 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 उसी भूमिका में ले जाएगा वो मंत्र, इसी का यहाँ पर संकेत है। तो यही है प्रत्यक्ष आलोकन जो है, यही आत्मोदय है, यही जो है शिवोदय है, यही भैरवोदय है, सब यही, इसी का नाम आत्मोदय भी है। आपका वास्तविक आत्मस्वरूप प्रकट हो गया, इसी का नाम शिवोदय है। अभी जो है वह क्या है, कोई विभाव्यमान आकृति नहीं है यहाँ, या संभव पाए कह रहा, कोई आपके द्वारा कल्पित आकृति नहीं है, वो शिव भाव में लेगी, शिव रूपता में। तो शिव रूपता में, जिस रूपता में गुरु पहुंचाना चाहता था उस रूपता में जो हो गया, यही वेदांत के अनुसार चरम वृत्ति है। और यही आगम के अनुसार जो है वह आत्मोदय है, यही शिवोदय, भैरव भाव समापत्ति है, और यही कल्याण है, और यही संभव पाए का तात्पर्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। जहां इसको छोड़ा तहां व्यापक हो गए, ना भैरव हो गए, एक आती है। दूसरा अर्थ क्या है कि जो प्रयास है आपका, जो निरंतर प्रयास है, यही भैरव है, यानी भैरव भाव प्राप्ति का उपाय यही है। आलसी नहीं है, निरंतर जो है जो उस भैरव भाव को, शिव भाव को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास जो है वही होता है। ये दोनों प्रकार, हाँ कोई भैरव, जैसे वहां आया, अभी वहां भी आया था, देखो कि वो तप तपोब्रह्म
अरे क्यों तब ब्रह्म का तब साधन, तब है साधन प्रत्यक्ष हो गया भाई। भाई यही देवता का देवता आत्म रूप से यदि अलग हो तब फिर दूसरी बात आप कह दे सकते हैं, है? वो तो आपकी बात जब हो, जब अपने से भिन्न है तब आप देखेंगे देवता का। भाई अद्वैत तो है ही है, सही बात, अब तो अद्वैत है, यहाँ तो द्वैत की तो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, यही उपासना सब हम कहते हैं। वहां केवल उपदेश था, यहाँ पर अब एक आधार हो गया मंत्र, जिसके आधार पर आप मन को तदाकार करेंगे, मन को तदाकार करेंगे, बस हो गई ये भाव ऐसा। और इसमें यही इसी में शक्तिपात विशेष रूप में शाक्तोपाय में शक्तिपात विशेष है, इसलिए दीक्षा का इसमें बहुत ज्यादा महत्व, क्योंकि दीक्षा जो है शक्तिपात रूपा है, तो उसको उसको ऐसा बात मेरा ख्याल अगले उसमें आएगा शायद, उसको वो उसको गुरु क्या है कि उसकी बुद्धि को गृहित करा देता है। गुरु यही करता है, मंत्र के द्वारा क्या करेगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल के प्रसंग में बात ये आई थी कि जैसे मंत्र है तो मंत्र का अर्थ है देवता शिव, और शिव स्वरूप भूत चित्त शिव स्वरूप हो गया, तो शिव स्वरूप हो गया तो यही आत्मदेव हो गया, अपने वास्तविक स्वरूप का जो है वो पहचान, इसी को पहचान कह ले, उसी को चरम वृत्ति कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अब उसी को कहते हैं ये मेवामृत प्राप्ति ही अयमेवात्मनोग्रह यम निर्वाण दीक्षा च शिव सद्भावदायिनी। कहते इसी का नाम यमेव, ये जो तत्स्वभाव प्राप्ति है ना, जो जिसको कहा था कि समापत, इसी को कहा था ना तदात्मता समापत्ति, यही अमृत प्राप्ति है।
अमृत प्राप्ति ऐसा नहीं है, यानी इस शैव परंपरा में अमृत प्राप्ति ये नहीं है कि देवता होकर के अमृत प्राप्त करता है, अथवा लोक में कोई रसायन रूप अमृत प्राप्त करता है, ये अमृत प्राप्ति नहीं है। वास्तव में अमृत प्राप्ति ही वेदांत की दृष्टि से भी देखें तो जन्म मरण का चक्र जहाँ समाप्त हो जाता है ये अमृत प्राप्ति है, और क्या अमृत प्राप्ति। और ये कब होगा कि स्वरूप के ज्ञान से होगा, तो स्वरूप ज्ञान जो है, स्वरूप समाप्ति जो है, यही अमृत प्राप्ति। और इसी का नाम है अयमेवात्मनुग्रह। ये आत्मग्रह ही, यानी आत्मग्रहण, अपने स्वरूप का जो है, वास्तविक स्वरूप का ग्रहण, वो इसी का नाम है। वो जो है देवता रूप में चित्त की जो समापत्ति है, इसी का नाम है स्वरूप। कोई स्वरूप ग्रहण अपने से भिन्न करके कोई दूसरा स्वरूप ग्रहण नहीं, यही स्वरूप ग्रहण। और इयम निर्वाण दीक्षा, इसी का नाम है निर्वाण दीक्षा, इसी का नाम है मोक्ष दीक्षा। निर्वाण